राहुल आ सकी। और राहुल कैसे हो भाई? राहुल नहीं, राहुल चेकर। मेहमान तो हमें से नहीं कहे, इधर आ चुका है। कभी दिल लगा था कि नहीं आपको? हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और रात के अभी 2 बज रहे हैं और भारी बारिश, यही तो हम खोज रहे थे कि बारिश हो। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा बारिश हो रहा है, आप देख सकते हैं मौसम पूरा बदल चुका है। और इधर हम लोग का सुपरवाइजर, सुबह का 5 बज चुका है। सजना जी मैनु छड़ के नहीं जाना कभी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कभी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कभी, मैं हूँ तारा तेरा जान बन जाना कभी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब। 1 hour later फिर आप जी खाई नहीं खा रहे हैं सुबह सुबह। दवाई मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? चलिए, आपका कभी दिल लगा था कि नहीं आपको? हाँ नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना गाइस। सुबह तो हम ड्यूटी से आ चुके हैं और इधर देख सकते हैं राहुल बाइक धो रहा है। मेरा भी धो बाबू, यहाँ पे खोल लिया है राहुल सर्विसिंग सेंटर। पानी चला दे रहे हम, चलो ना। चलो ना, ठीक धोआ गया, चेहरा तेरा नहीं दिखा रहा, चलो ना। हम चमक चाहिए राहुल इसमें तुमको, ना तुमको भी। ड्यूटी से आने के बाद नहा धोकर हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो चलते हैं सबसे पहले बाइक सर्विसिंग कराते हैं। और एक बात, तेरे वादे अनुरख आसी मैं सोनी गलदहार बना के, तू नहीं आई उस शाम वो सोनी मैनु पार बुला के। तो भाई का बाइक धोआ के रेडी हो चुका है, तो चलिए अब चलते हैं। राहुल कितना दिन बाद हम चेंज करा रहे होंगे मोबाइल अपना? 5 महीना बाद लग रहा है। मोबाइल का हाल देख सकते हैं, धूप में मत रखो, सीज कर जाएगा इंजन। जिंदगी में राहुल तेरा रंगत रहा कि नहीं? सब खत्म, गाड़ी घोड़ा सब साला, कभी ट्रैक्टर देखो, कभी कार देखो, कभी साला बाइक देखो, ये करो वो करो, क्या करें अब हम, अपना लाइफ में कुछ पता नहीं चल रहा। कभी ट्रैक्टर चलवाओ, कभी कार चलवाओ, कभी बाइक। ए भैया वो बाइक को बिकवा दीजिए मेरा। निकल लो उड़े। सर्विसिंग होने के बाद गाइस आप देख सकते हैं टाइमिंग 11 हो चुका है। चलिए करते हैं नाश्ता। चलिए गाइस तो नाश्ता किया जाए। सो हाय गाइस, दिस इज योर डिफरेंट भाई, योर फेवरेट राहुल आसकी। और राहुल कैसे हो भाई? राहुल नहीं, राहुल चेकर। उसका तो दिल टूटा था, तेरा कहाँ टूटता है दिल? दिल हमारा टूटा है भाई। अच्छा, वहाँ के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना? लेकिन दिल लगाने वाली आ गई है। हाँ हाँ, तो 28 मई का जो प्रोग्राम है लाजवाब रहेगा, जबरदस्त वहाँ रहना है तुमको, माहौल बना देना। मेरे सारे भतीजों, तो ऐसा है कि हम लोग 28 तारीख को आ रहे हैं, तो सी यू सून गाइस 28 मई। तो आप लोग आइए और मिलिए हम लोग से एक बार, पूरा एकदम जाम लगा देंगे। आप लोग एक बार आइए और देखिए क्या माहौल होता है रांची का, कुछ ऐसा ही ना। बिल्कुल भाई। डरना कोई, बिखरना कोई। 346 minutes later. चलिए अब हम लोग डांस करेंगे, डांस करते हैं आरसीबी। कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, हर हालात में कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी, पर तुम निकल गई धोखे बाद, टोपी दे दी टोपे बाद, उड़ताल देके हमको छोड़ के भाग गई। अरे कोई बात नहीं यार, डिस्को नेक्स्ट डे आ चुके हैं हम एक रूम पे और दिखाते हैं कि कौन आया इधर। गाइस आप देख सकते हैं मेहमान तो हमें से नहीं कहेंगे, इधर आ चुका है लालू जी।
लालू जी का आज नहीं कल जिंदल में इंटरव्यू है। और बताओ कैसे हो? सब बढ़िया है। बहुत दिन बाद, वो भी गर्मी में कोई आता है यार? बस घूमने फिरने आ गया और क्या। और कल जिंदल में इंटरव्यू है, तो अगर जिंदल के कोई भी लोग देख रहे होंगे इस ब्लॉग को, इस वीडियो, तो आप लोग पैर भी लगा दीजिएगा, जा हो जाएगा तेरा बात। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा करते हैं फिर निकलते हैं, शाम में ड्यूटी भी तो आराम करेंगे और फिर निकलेंगे ड्यूटी। तो फाइनली गाइस हुआ कुछ ऐसा कि हम तो गए थे ड्यूटी, तो उधर से आए और पता चला कि हमें तो जाना है कल से डे, तो अब हम घर आ चुके हैं और फिर निकलेंगे हम पार्टी में। तो पार्टी पहुंचते हैं फिर वहां का सीन दिखाते हैं कि क्या व्यवस्था है वहां पे। चलिए चलिए निकलते हैं गाइस। इधर गाइज हम लोग आ चुके हैं पार्टी में और इधर हम लोग के साथ आतिफ है और बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं आप लोगों से। अभी फिलहाल मेरा ब्लॉग बंद है, अभी इसका ब्लॉग में थोड़ा स्ट्राइक चल रहा है, कॉपीराइट का इशू आ गया था तो उसके चलते फिर कहीं जाने का प्लान हो रहा है, तो बस 15-20 दिन रुक जाइए। जैसे लालू मौसम विभाग से तो ये बताया कि मानसून 20 दिन लगेगा ना लालू, 20 दिन में झारखंड इन हो जाएगा, उसके बाद फिर उसके बाद फिर आतिफ कहीं निकलेगा, तो आप लोग ट्रैवल ब्लॉग इसका हमें देखने को मिलेगा और बाकी आप आज का माहौल चेक कर सकते हैं गाइस। बीरू को देख रहा मैं तो बर्फ ले। हम लोग बीरू। The next morning। सुबह सुबह दिलजली जी से मिल सकते हैं, एकदम चकाचक हो चुका है। क्या बोल रहे हैं? हम ना जाने साफ ना पहले पसीन में लगो। मैं डील करूं मेल में अमाउंट मेरा लार्ज तेरे पगले के इनकम से ज्यादा मेरे एक शो का चार्ज है। जब साथ थी तू मेरे तब तो पूछता रहता था सच, बोल दो ना बेबी तुम्हारा आर एक ठो अगला है ना, हम बोले के बेबी तुम्हारा तीन चार। मतलब ऐसा आप ही के साथ होता है कि चार किलन में आपको आना है, चार किलन में हमको भी फिर आना पड़ जाता है, और कोई नहीं ना है। किस्मत खराब है क्या हम लोग का? नाइट में आराम है, इधर धूप है, देख नहीं रहे हैं अभी 42 हो जाएगा 2 मिनट में। चलिए तो डोलामाइट डाला जाए। ठीक, तो गाइज इधर हम आ चुके हैं डोलामाइट डालने के लिए, जो ये आप देख पा रहे हैं इसे डोलामाइट बोला जाता है। तो मशीन हमारा एकदम रेडी है, तो सब अच्छा खासा नाइट ड्यूटी चल रहा था, बताइए डे बुला लिया गया इतना गर्मी में, लेकिन चलिए फिर भी ड्यूटी अपना किया जाए। तो गाइज तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर हम आपको डायरेक्ट अब रांची में 28 मई को है ना, तो वहीं पे मिलते हैं फिर, जो अब होगा वहीं होगा, जितना दिन भी है तो ब्रेक रहेगा ब्लॉग से। मिलते हैं हम आपको किसी नए से ब्लॉग में, तब तक लियो का।